भैया सुबह का नाश्ता तो आप लोगों ने देख लिया, शाम का नाश्ता मैं आज कराने आया। ऊपर से यहाँ पे जो गर्मी है उसके लिए भी एक सॉल्यूशन लेके आए हो। चीज़ें कहाँ आए हैं, क्या चीज़ें ट्राई करने आ रहे हैं, सब कुछ बताते हैं। तो आए हम लोग यहाँ इच्छाधारी लस्सी में, जो कि अराउंड 1984 से है। तो ये प्लेन लस्सी से इन्होंने स्टार्ट की थी, और आज के टाइम पे इनके पास जो सीन है वो इनके पास वैरायटी ऑफ लस्सी है। साथ में आपको पटियाला लस्सी मिलेगी, और मतलब फ्ला 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 काफ़ी टाइप की लस्सी है। तो ये रहे ओनर साहब, तो अभी चलिए ओनर साहब से भी बात करते हैं, साथ में अपने लिए भी एक यहाँ की जो लस्सी स्टार्टिंग से थी वो वाली लस्सी ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो लस्सी का सीन रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है, मतलब यहाँ कंटिन्यू लस्सी पे लस्सी बनती जाती है और प्रिपेयर होती जाती है। अभी देखो एक खान रखती है, एक खान जैसे ही सेल आउट होगी दूसरी खान तैयार है बनके। तो ये यहाँ के ओनर साहब हैं, जो कि अंकल आपने भूपेंद्र सिंह तलवार, तो भूपेंद्र सिंह का अंकल की शॉप है, और मतलब ये इनकी जेन्युइन शॉप है। बाकी जो शॉप है उन पर मतलब वो कोई इस टाइप का सीन नहीं था। आप अंकल खुद ही बताइए। सिंह तलवार अच्छा लस्सी संचालक, 1984 में लस्सी स्टार्ट की, तो उसमें लस्सी का रेट 2 रुपये गिलास है। 2 रुपये गिलास से जब शहर में शायद लस्सी कोई बिरला आदमी देता था, और हमको जबरदस्त जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। आज लस्सी का रेट 30 रुपये है, मतलब मेरी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है लस्सी में। हमारे फादर 2015 में लगभग लस्सी में, मतलब दतों की 5 में हमने कारोबार संभाला। मेरा बेटा बैठता है जरूर से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। लस्सी साथ में मेकिंग तो आपने देख ही ली थी, जिसको ट्राई करते हैं। लुक एंड फील काफ़ी नॉर्मल सा, फैंसी फूड वाला कोई सीन नहीं है, और ग्लास जो थी ट्राई करके देखिए ब्लड देखी नहीं है। लस्सी मतलब जेन्युइन जो टेस्ट होता है लस्सी का, वो वाला टेस्ट है। और 30 रुपीज़ में, मतलब जैसे अपने यहाँ सीन होता है कि गाड़ी दही वाला सीन होता है जिसको चम्मच खा रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट वाला सीन है। मजे से हूं। कहां आया हूं, क्या चीज़ें ट्राई करने, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग आए हैं यहां की जो फेमस शॉप है श्याम समोसा सेंटर पे आए हुए हैं। तो शॉप कुछ ओल्ड स्कूल टाइप की है, बट जो यहां की चीज़ें हैं वो मतलब काफ़ी लोग ने मुझे रिकमेंड की थी कि भाई आप यहां आना तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करना। तो हम लोग आ गए, और यहां पे अभी फ़िलहाल समोसे की घान जो है वो कंटिन्यू सेल आउट होती रहती है चीज़ें। तो अराउंड कितने साल हो गए भाई शॉप को? 48 ईयर ओल्ड। तो स्टार्ट समोसे से ही हुआ था? हाँ जी। तो आपका गुड नेम क्या है? शिवम किचन। अच्छा, जो टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? सुबह 11:30 से रात को 9 बजे तक। अदर कोई ब्रांच नहीं ना? नहीं जी। ओके, देख रहे भाई समोसे हो गए। समोसे क्या क्या बताया? समोसे मंगोड़े, आलू बंडे, मंगोड़े भाजी बड़े। अच्छा अच्छा, तो मंगोड़े मंगोड़े क्या उसे केजी से देते हो? हाँ जी। अच्छा, 400 केजी। भाई जब हम लोग की भी समोसे की प्लेट लगी, बट यहाँ पे यूनिकनेस मुझे थोड़ी सी ये लगी जो सबसे अलग, हमारे यहाँ समोसे होते हैं थोड़े से बड़े लगे, फोड़ फाड़ के नहीं देते हैं। यहाँ पे पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया समोसे का, और पहले तो मतलब देखते प्लेन ही साइड से प्याज या सारी चीज़ें लगा के देते हैं, साथ में होती है इनके साथ चटनी। तो पहले एक प्लेन विनाउट आलू वाली बाइट लेते हैं। काफ़ी क्रिस्प है, एक तो आलू मसाले एक साथ देते हैं, तो इनकी जो आलू होती है वो कटी हुई रहती है। बात करें तो समोसे के साथ यहाँ मिर्ची भी मिलती है, किसी को इधर उधर लगता है तीखा तो भाई मिर्ची चबा लेने का जो एक टेस्ट और बढ़ जाता है। मुझे तो सही लगी, जितना सीन है वो टेस्ट के साथ काफ़ी सही है, और हर एरिया का अपना टेस्ट अलग होता है। तो ये चीज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट लगी मुझे। तो भाई जब लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन थोड़ा समझा देता हूँ, वो साइड चौराहे पे रहता है लाटगंज थाना। लाटगंज थाने थोड़ा सा आगे आओगे तो वहाँ पर राजपूत बैंगल्स, बैंगल्स के जस्ट सामने पे इनकी स्टॉल दिख जाती, बाकी आप गूगल मैप पे। तो बात करें यहाँ पे मतलब लोग काफ़ी हम्बल हैं, और मतलब नेचर काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा ट्रैफिक जो होता है वो काफ़ी घिसा पिटा टाइप रहता है। और ये पूरा मार्केट जो होता है, अभी आगे चलता हूँ उसको भी दिखाता हूँ मार्केट। ये यहाँ पे देखो
साज सजावट का सामान हो गया, काफी चीजें लाइट रहती है। भाई साहब जिसका इंतजार था उस शॉप पे मैं आ चुका हूँ, काफी लोग की रिकमेंडेशन आ रही थी तो भी मैं आ गया हूँ। आया ठाकुर चाट भंडार में, जी हाँ इसके बारे में मैंने काफी कुछ सुना था, तो भाई मजा आने वाला है और एक्साइटेड बहुत था मैं, क्योंकि इनकी ट्राई करनी है मुझे साबूदाने की टिक्की साथ में इनका समोसा चाट। आलू टिक्की तो मैंने ट्राई किया, भाई कह रहे हमको भी ले लो, तो भाई को भी ले लिया जाए साथ में। क्या नाम है भाई आपका? आपका नाम क्या है? सुमित भाई है, शिवा भाई है, काफी मेहनती लोग हैं साथ में। तो मैंने जो चीजें सुनी थी यहाँ की समोसे की, साथ में इनकी जो साबूदाने और आलू की टिक्की होती है उसको देखते कैसे प्रिपेयर हो रही है, कैसे प्रेजेंट हो रही है, साथ में करेंगे एक अच्छा और सच्चा सा रिव्यू। तो लोकेशन की बात करूं, तो बात करूं मैं लोकेशन की, लोकेशन है मच्छर हाई। मच्छर हाई से थोड़ा सा आगे आप पीछे चले आओगे तो ठाकुर चाट भंडार दिख गया। खुशबू ऐसी होती है कि काफ़ी लोग चले आए। जिस दिन मैं निकल रहा था उस दिन मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल किया, मैसेज करके बताया कि भाई आप आना तो यहाँ ठाकुर चाट भंडार ज़रूर ट्राई करना, तो मैं ही आ गया। फिलहाल मेरे को फुल्की खाने का मन था तो फुल्की तो यहाँ मिल नहीं रही है, बाकी अब जो चीज़ें उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी। मतलब कुछ इस टाइप का शॉप का रहता है। एक साइड रहते हैं इनके छोले, जिसको हमारे यहाँ मटर बोला जाता है, इसे छोले बोलते हैं ना आप लोग? मटर 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 बोलते हैं ना, तो मटर अपने यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। मटर है, पानी पानी दो टाइप के रहते हैं, जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है। साथ में देखो प्लेट में प्लेट कंटिन्यू लगी रहती है, तो ये मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है दूर से देख के। तो हम लोग भी अपने लिए प्लेट लगवाते हैं साथ में और देखते कैसे प्रिपेयर हो रही है, कैसे प्रेजेंट हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और बता दूं शॉप मंगलवार को बंद रहती है, बाकी किसी दिन बंद नहीं। टाइमिंग जो होती है 2 बजे से रात के 10 बजे तक रहती है। और शाम की भसड़ देख रहे हो, मार्केट अपनी तरफ है, भीड़ अपनी तरफ है चाट वालों की। वहाँ से लाइन से देखो तो वो लाइन से लेके आंटी से लेके सभी लोग चाट को अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। चाट की प्लेट और चाट का मतलब लुक एंड फील काफी अच्छा देखने में, तो मतलब जो इम्प्रेस किया मुझे चीज़ें इसकी गार्निशिंग। साथ में आपको इसमें मिलती मूंगफली, प्याज, मटरी और फुल्की पूरी डाल के, साथ में भी साबूदाने और आलू टिक्की का मैरिनेशन जो होता है आलू बॉइल्ड आलू का, वो अच्छे से चला फिर। और साथ में आप इसको कर लेते हैं ट्राई, तो अच्छे से जब मिक्सअप करते हैं तो ये चीज़ मतलब यहाँ का कल्चर इसे बोल सकते हैं। हर चीज़ में सेव और ये सारी चीज़ें डाल के देते हैं। अब इसका कल्चर मुझे नहीं पता भाई क्यों डाल रहे हैं, बट टेस्ट कर लेते हैं इसको जल्दी से। बहुत गर्म चाट है, मज़ेदार। और साथ में आप जब भी एक दूसरी बाइट लोगे तो चटनी चटनी को काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, मूँगफली का भी काफ़ी अच्छा मैं जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा तीखा लगे तो काफ़ी खा लीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। की डिमांड देख लो, मतलब जो सीन है यहाँ का वो कोई दो कोई तीन किसी एक पाँच, मतलब मिनिमम मैक्सिमम पाँच देख रहा हूँ, दो तीन तो पैकिंग वाला सीन चल ही रहा है। और क्राउड देख रहे हो, मतलब वहाँ सीट फुल होती है, ये पूरी सीट रिजर्व होती है, यहाँ पे लोग अच्छी जगह मैं खड़ा हूँ, उसकी सीट स्पेस बची है। मीठी कटाई, मीठी कटाई, प्याज 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 बड़े भैया आपका समोसा बनाए। हाँ बॉस कचौड़ी नहीं है चाचा आज। अरे क्या क्या नहीं डालना आपके पास?
पानी नहीं पी। यहाँ की हम लोग दूसरी चीज लग वाली जो कि समोसा चाट, इसके बारे में काफी सुना था, बाकी वो चाट तो मुझे काफी इंप्रेस किया सर। मैं इनकी जो एक चीज और है, ये जो पत्ते में सर्व करते हैं, इसका मुझे काफी अच्छा सीन लगा। काफी जगह मतलब ये डोने के ऊपर सर्व कर देते हैं, हमारे यहाँ भी सब ऐसे ही होता है, तो कोई रिकमेंड इस टाइप से मत करना भाई, कोई ऑब्जेक्शन, बाकी हम इसको ट्राई कर देते हैं। मैंने अभी समोसे की जो मेकिंग देखी थी, बेसिक समोसा ही था, फिर उसके ऊपर इन्होंने बटर प्याज चटनी बनाना टुकाना करके डाला, तो जल्दी ट्राई कर लेते हैं और देखते वर्थ है कि नहीं है। बात करें चाट की, तो ओवरऑल मतलब समोसे की जो फिलिंग है वो ठीक ठाक मुझे लगी, बट वो वाला जो चाट है आलू चाट वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। ये मुझे उतना बेसिक सही लगा चाट, इसमें कोई खासियत नहीं लगी, बट सही आप इसको ट्राई कर सकते हो वन टाइम वाला समोसा।